जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आने वाली नवरात्रि एवं रमजान के लिए जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराने के लिए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को सौंपा। आने वाली नवरात्रि एवं रमजान को लेकर जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए जल निगम ने नगर की सड़कों को खोदा लेकिन उनकी मरम्मत कार्य नहीं कराया, जिसकी वजह से नगर की अधिकांश सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। इसलिए इनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए। इस मामले में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने बताया कि नवरात्रि एवं रमजान आने वाले हैं, जिसमें सुबह के समय जाना पड़ता है, इसलिए इन सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। वहीं इस विषय में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि वे इसे पहले से ही जल निगम के अधिकारियों के संज्ञान में ला चुके हैं और जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। ये नगर पालिका के यू द्वारा हमने डीएम को एक ज्ञापन भेजा है, उसके माध्यम से हमने ये कहा है कि चंदौसी नगर की सारी सड़कें और इसके अलावा गली मोहल्ले जो है वो अमृत योजना के तहत जलकर विभाग ने खोद रखी हैं। उनसे कई बार लिखित रूप में और मौखिक रूप में ये कहा गया था कि आप जो है दो गलियों में से जो है वो पाइपलाइन डालें, पहले उनको दुरुस्त कर दें, उसके बाद अगला काम शुरू कर दें। लेकिन जलकर विभाग के जो ये ठेकेदार हैं, इन्होंने पूरा शहर खोद रखा है और सही भी नहीं करी हैं वो रोडें, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। चूँकि अब जो है आगामी कुछ दिनों बाद त्यौहारों आने वाले हैं, जैसे नवरात्र हैं, रमज़ान का महीना है, ये आने वाला है। इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे जो हैं सुबह के वक्त में मंदिर जाते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो सुबह के वक्त में ये जो है सहरी के वक्त उठते हैं जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये वह सड़कें खुदी पड़ी हैं, उसमें हादसे होंगे, अनहोनी घटना होगी, उसके मद्देनज़र हमने आज जो है जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन भेजा है ईओ साहब के माध्यम से। संबंध में ये है कि जल निगम ने जिस तरीके से पाइपलाइन डाली है और जिस हिसाब से जो पास है सरकार द्वारा उससे कम में पाइपलाइन डाली जा रही है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उसको भरा नहीं जा रहा, जो ठेकेदार है भरने की जिम्मेवारी उसकी है लेकिन वो भरता नहीं, और हमारे बार बार कहने के बावजूद भी नहीं भरा जा रहा है। क्योंकि अब जो है नवरात्रे आ रहे हैं, रमजान आ रहे हैं, इसके लिए सब चिंतित हैं लेकिन हमारे अधिकारी चिंतित नहीं है, हमारा वो ठेकेदार चिंतित नहीं है। वो ये चाहता है कि बस मैं पैसा कमा लूँ और गड्ढे नहीं भरूँ, जबकि गड्ढे भरने की जिम्मेवारी उसकी है। सड़क सारी ख़राब है और हम लोग परेशान हैं और समाज की तरफ से और जनता की तरफ से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं और हमने इस संबंध में चंदौसी के मुरादाबाद वो जिलाधिकारी को योगी मार्फत एक ज्ञापन दिया है। देखिए, जल निगम के द्वारा जो पाइपलाइन अमृत योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही है उसमें प्रॉपर, एक तो रोडें तोड़ने के बाद पाइपलाइन डालने के बाद प्रॉपर तरीके से वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जिसको लेके आम नागरिकों में काफ़ी रोष है और जिसको लेके मैंने कई बार लिखा भी है। इनके एक्शन से रेगुलरली मेरी दूरभाष पे वार्ता भी होती है लेकिन अभी जितना अच्छा उन्हें कर देना चाहिए उस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही है और इनकी वजह से नगर पालिका को निश्चित तौर पर बहुत सरदर्दी झेलना पड़ रहा है। आज भी जो है एई जल निगम से बात हुई है, उन्हें मैं बुलाया भी हूँ कि आज चल के एक साइड देखें। संभल रोड हमारा टेंडर हो चुका, वर्क ऑर्डर है, लेकिन इसलिए मात्र हम उसे नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनकी पाइपलाइन नहीं पड़ रही है। पाइपलाइन अगर हम अभी डलवा दें, पाइपलाइन बाद में डालेंगे, जिसकी वजह से फिर रोड ख़राब होगी। तो आज मैं बुलाए भी हूँ कि इसको आप स्वयं लिख के देंगे कि कब डाल देंगे, और इसके बाद अगर नहीं करते हैं तो हम अपनी रोड डाल देंगे, फिर नई पाइपलाइन पड़ने देंगे।